नमस्कार, आप देखें इनमी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में गीतकार सुभाष बर्चवाल द्वारा निर्मित दो गीतों का विमोचन किया है और यह दोनों ही गीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के कामकाज सहित पिछले 4 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के कामों पर आधारित है। इन दोनों ही गीतों को सुभाष बर्चवाल ने गाया है और स्वयं ही इनको लिखा भी है। इनको संगीत से सजाने का काम पवन गुसाई ने किया है। इन गीतों में फिर से कमल की बहार, अब के होंगे 60 पार और दिया कमल खिला तुमने पुष्कर भैया जैसे स्वर शामिल हैं। तो खबर उत्तराखंड के टिहरी जिले से है, जहां पर आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रताप नगर में सेम मुखम और गढ़वाड़ी सौड़ मैदान में आयोजित श्री सेम नागराजा त्रिवासिक मेले और यात्रा सन्मुख में प्रतिभाग किया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने सेम नागराजा को नमन करते हुए कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत के पूरे विश्व में वर्चस्व बढ़ गया है और पूरी दुनिया योग को स्वीकार करती है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में भारत की पूरी दुनिया में एक नई पहचान बन रही है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे राज्य को भी धार्मिक पर्यटन सहित राज्य की आर्थिक को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा मार्ग का निर्माण और रेल लाइन निर्माण जैसे प्रमुख कार्य इसका उदाहरण है। तो खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने राजकीय इंटर कॉलेज कोरवा में महिला चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मतदान शपथ दिलवाकर किया गया और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत स्वीप के अंतर्गत वोटर कार्ड बनवाने और मतदाता सूची में पंजीकरण करवाने के लिए राज्य भर में विशेष अभियान आयोजित किया जा रहा है। अधिक से अधिक लोगों को मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोग अपने मत का प्रयोग करें। साथ ही आपको बता दें कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में 18 साल के युवाओं महिलाओं को केंद्रित कर विभिन्न गतिविधियों द्वारा उनको प्रेरित किया जा रहा है। गत चुनाव के आधार पर महिला वोटर की संख्या जिन क्षेत्रों में कम रही वहां विशेष जागरूकता कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। तो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि हरीश रावत को अपने मोतियाबिंद का इलाज करवाना चाहिए, उन्हें प्रदेश में विकास दिखाई नहीं दिख रहा है। आपको बता दें गौरतलब है कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी के डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि डबल इंजन सरकार बेकार हो गई है और सिर्फ धुआं निकालने का काम कर रही है। सरकार विकास कार्य करने के बजाय काम रोक रही है और बीजेपी सरकार महंगाई, बेरोजगारी और पलायन बढ़ाने वाली सरकार है। है कि हरीश रावत जी को अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना चाहिए, उन्हें प्रदेश का विकास प्रदूषण दिखाई दे रहा है। ये मुझे लगता है कि जो हमारे डबल इंजन की सरकार ने विश्व स्तरीय बड़ी बड़ी योजनाएं प्रारंभ की हैं उसके प्रति उनकी जलन और ईर्ष्या से अधिक और कुछ नहीं है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अपने कार्यकाल में जब वो केंद्र में मंत्री थे या प्रदेश के मुख्यमंत्री थे या हरिद्वार के सांसद थे वो कुछ नहीं कर पाए और जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है तो ऑल वेदर रोड बनती हुई उन्हें प्रदूषण दिखाई दे रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनती हुई उन्हें प्रदूषण दिखाई दे रही है। एम्स का कुमाऊं में बन रहा सैटेलाइट सेंटर उन्हें प्रदूषण दिखाई दे रहा है। कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र उत्तराखंड में स्थापित हुआ है वो उन्हें प्रदूषण दिखाई दे रहा है। सीपैक जो उत्तराखंड में स्थापित हुआ है, युवाओं को जो 100% रोजगार देने की गारंटी है वो उन्हें प्रदूषण दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के सभी प्रवेश द्वार जिनकी की उन हरीश रावत जी के जमाने में सड़कों की बुरी अवस्था थी, चलना भी उस पर दूभर था, आज वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के मार्ग बन गए हैं और जिन जिन राज्यों में जिन प्रदेश में जहां जाने के लिए हमें घंटों घंटों
देर से पहुंचते थे हम और असुविधाओं का सामना करते थे, और वहां अगर हम आधे से भी कम समय में पहुंच रहे हैं तो ये उन्हें प्रदूषण दिखाई दे रहा है मुझे लग... तो वहीं आने वाले 29 नवंबर को महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भीमताल विधानसभा के विकास खंड ओखल कांडा में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उत्तराखंड चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत के दौरे को लेकर जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो वहीं कार्यक्रम में घर वापसी कर चुके वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यशपाल आर्य की मौजूदगी में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जन आक्रोश रैली के माध्यम से क्षेत्रीय जनता को संबोधित करेंगे, जहां हरीश रावत अपने पूर्व के कार्यकाल में किए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों की तुलना सरकार के कार्यों से करते नजर आएंगे। कार्यक्रम 29 तारीख का है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर के यह हर विधानसभा में कार्यक्रम किया जा रहा है, और विशेषकर हरीश रावत जी, क्योंकि उखलकांडा में उनसे प्रेम है, उखलकांडा के क्षेत्र को देख करके। पहले भी कई जगह ऐसे उन्होंने विकास कार्य उखलकांडा में किए, जैसे डिग्री कॉलेज हो गया, तहसील हो गया, करीबन 12-13 स्कूलों का उच्चीकरण किया, कई जगह उन्होंने सड़क बनवाई, तो उखलकांडा में विशेषकर उनका लगाव है। तो उनका पहला कार्यक्रम इस विधानसभा में, नैनीताल जिले का पहला चुनावी सभा जो है उखलकांडा में। तो आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता बढ़ती नजर आई, तो वहीं हल्द्वानी सीट से बीजेपी कार्यकर्ता एडवोकेट विजय लक्ष्मी चौहान ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उनका कहना है कि देश का शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है, उससे विदेशों में आज भारत की काफी पहचान बढ़ी है और साथ ही भारत का कद भी बढ़ता नजर आ रहा है, और राज्य में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णयों से जनता आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में फिर से सत्ता में काबिज होने चाह रही है। तो वहीं आपको बता दें कि उनका कहना है कि समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हल्द्वानी से वह लंबे समय से सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय होती नजर आ रही हैं। हल्द्वानी के विकास कार्यों में वे आगे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाना चाहती हैं, जिसके लिए उन्हें पार्टी स्तर पर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर दी है। मैं सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जो हमारे भारत के लिए बहुत काम कर रहे हैं। एक भारत को इतना स्ट्रांग बना दिया है आज उन्होंने कि हर कोई भारत की तरफ ही देखता है। और यहाँ मैं उत्तराखंड में हमारे युवा सीएम हैं, मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने जब जैसे ही वो यहाँ पर उन्होंने हम कमान संभाली उत्तराखंड की, एकदम उत्तराखंड बिल्कुल चेंज हो गया। आपने देखा होगा इतनी योजनाएँ आई हुई हैं, काम कर रहे हैं। अभी आपदा आ गई थी, उसमें वो इतने एक्टिव रहे, उन्होंने उस सिचुएशन से भी हमको रिकवर कर दिया। जैसे मैं एक महिला हूँ और मैं अपनी महिलाओं के लिए बात करूँ, तो मैं अपनी महिलाओं का एक चेहरा हूँ इस टाइम हल्द्वानी शहर में, और बहुत सारी महिलाएं मुझसे बहुत उम्मीद लगाए बैठी हुई हैं कि मैडम कुछ करेंगी, कुछ होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए उनके बच्चों की भी बहुत प्रायोरिटी है। और क्योंकि मैं निःशुल्क बच्चे पढ़ा रही हूँ यहाँ हल्द्वानी शहर में, तो मैंने देखा है कि वो इतनी मेहनत करती हैं दिन रात अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं उनका एक चेहरा बनकर हल्द्वानी शहर को आगे बढ़ता देखना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मैं अपने स्तर पे सभी से बात कर रही हूँ, सभी से मिल रही हूँ और अपना जो मेरी इच्छा है उसको जाहिर कर रही हूँ। जी जी, मैं यहाँ से आपको। तो खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है, जहां पर आपको बता दें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर संविधान दिवस मनाया और साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया है और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी है। आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया था। साथ ही 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, आज उस संविधान के प्रतिकूल काम हो रहा है और संविधान की हत्या की जा रही है। आज ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है, 3 काले कानून रातों रात अध्यादेश पारित करके कानून बनाए गए, न लोकसभा में पास हुआ न राज्यसभा में।
ऐसी कौन सी आफत आ गई कोरोना काल में कि रातों रात अध्यादेश करके आप कानून बना रहे हैं, न किसी अदर पार्टियों को भी नहीं उसमें बुलाया जा रहा है, न किसी की सहमति ली जा रही है। तो जो इनके मन में आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कानून जो बनाया था हमारे भीमराव अंबेडकर डॉक्टर साहब ने, उसमें और भी नेता, बहुत नेता थे उस समय, वरिष्ठ नेता थे, वो उसके अध्यक्ष थे, और उसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, बहुत लोग उसमें शामिल थे। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 में कानून का प्रारूप तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 में वह लागू किया था। मोदी सरकार संविधान का उल्लंघन करके लोगों को बिना वजह फंसाया जा रहा है, उनके द्वारा किए जा रहे जो कार्य हैं, जो एसटीएससी समाज के लिए अत्याचार हो रहे हैं, जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ओबीसी वालों पर अत्याचार हो रहा है, इसमें एकमात्र जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान जो लिखा था, उनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन संविधान लिखने के उस पर्पज से आज जो ये हमने किया है प्रोग्राम यहाँ पर, ये बाबा साहेब की याद में किया है जिन्होंने संविधान लिखा है, और जितना भी समय उन्होंने संविधान लिखने में जो किया था। तो बात कर लेते हैं राजधानी देहरादून की, जहां पर आपको बताते हैं कि बढ़ते कोरोना के मामलों में लगातार स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन की चिंता जो है वो बढ़ा दी है। दून वासियों से कोरोना के नियमों की पालन करने की अपील स्वास्थ्य विभाग करता नजर आ रहा है। राजधानी देहरादून में बीते रोज यानी कि 11 और तिब्बत कॉलोनी में 5 कोरोना के मामले सामने आए हैं, और जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में देहरादून के इन दोनों जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को भी जानकारी जुटाने का काम किया जा रहा है। साथ ही सीएमओ देहरादून मनोज उप्रेती ने कहा कि त्यौहार खत्म होने के बाद लोगों ने लापरवाही करनी शुरू कर दी है, जिस वजह से अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ने शुरू हो गए हैं। वहीं जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने कहा कि कोरोना को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। साथ ही जिलाधिकारी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही लॉकडाउन की खबर का भी खंडन करते हुए कहा कि अभी प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया गया है और ना ही कोई एसओपी जारी की गई है। अभी कुछ दो पर्टिकुलर जगहों पे ज्यादा कोविड के केसेस आए थे, एक तो इंदिरा गांधी फॉरेस्ट एकेडमी जहाँ पे लगभग 11 केसेस अभी आने की पुष्टि हुई है, और एक टिबेटन कॉलोनी है सहस्त्रधारा में, वहाँ पे 5 केसेस हैं। तो इनकी वजह से इन दोनों जोन्स को हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है, और बाकी जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के जो एसओपीज हैं उनका अनुपालन वहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा। बाकी लगातार मॉनिटरिंग चल रही है कोविड के केसेस पे, और फिलहाल हमारा जो है सर्वेलांस की टीम एक्टिव है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टीम एक्टिव है। एट द सेम टाइम मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जिनका भी जो है सेकेंड डोज नहीं हुआ है वो प्लीज़ अपने जो है टाइमली सेकेंड वैक्सीनेशन अपना लगवा लें। है कि इस वक्त अभी अभी एक त्यौहार ख़त्म हुआ है, बहुत बड़ा त्यौहार था, और जिस तरह से कोरोना के केसेस कम हुए हैं उसको देखते हुए आदमी बहुत ज़्यादा लापरवाह दिखाई पड़ रहा है, ये आप भी देख रहा होंगे, जिसमें कि उन्होंने जिस तरह से कोविड जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना बंद कर दिया है। लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, वो लोग भीड़ भरी जगहों में जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, शादियों ब्याहों में कोई भी परहेज नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कोरोना के इन्फेक्शन को दोबारा से बढ़ने के लिए आमंत्रण दे रही हैं। तो मेरी तो यही आपसे जो है सभी जनता से ये है कि अपील कि वो सारे नियमों का पालन करें, कम से कम मास्क लगाएं और अपना एक सामाजिक दूरी का पालन करें। तो खबर हरिद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि रोशनाबाद स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के विरोध में रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2 दिन पहले जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निवेदन किया गया था कि भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी जिलाधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज जब स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे तो महामहिम राष्ट्रपति के आगमन का बहाना बनाकर मूर्ख बनाने का काम किया गया है। आज एक एक दो दो साल से जो जांच पेंडिंग है और वो कागज और फाइलों में दबकर रह चुकी हैं,
अधिकारी भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से संलिप्त है। हमारी मातृशक्ति हमारा युवा साथी परेशान है। हमारे बच्चों के पास शिक्षा के लिए कोई विकल्प नहीं है, रोजगार के लिए विकल्प नहीं है। मैंने दो दिन पहले जिलाधिकारी महोदय के लिखित में अवगत कराया था कि दो दिन बाद सुराज सेवा दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे। 5 अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, आपके हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव, आपके जिला आबकारी अधिकारी और तमाम एक दो अधिकारी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, लिखित में मैंने दिया था कि मैं जब आऊंगा तो आप उन 5 अधिकारियों से जो हम प्रश्न करेंगे आपके सामने और भ्रष्टाचार पोल खोल कार्यक्रम आपके सामने दिखाया जाएगा। लेकिन आज जिलाधिकारी ने महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रम की जो बताकर हम लोग का मूर्ख बना दिया, इससे प्रतीत हो रहा है कि जिलाधिकारी के संरक्षण में ही यह भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी पीछे 7 करोड़ रुपए के राजस्व का घोटाला जिस खनन में आया है, क्या कहेंगे? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ जिलाधिकारी महोदय के। और फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए आप एनबी न्यूज के साथ। माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास, हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण, शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग है हम, उत्तराखंड है हम। तो ब्रेक के बाद आप उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि हरिद्वार के रोशनाबाद से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सीएमओ कार्यालय पर एनएचएम के कार्यालयों ने कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमें नीति आयोग के द्वारा कोविड कॉल में रखा गया था और उनका आरोप है कि 12,000 रुपये की मासिक सैलरी पर उन्हें रखा गया था, जबकि हमें 7600 रुपये ही दिया जा रहा है। साथ ही उनका आरोप है कि कार्य पर रखते वक्त उनसे कहा गया था कि 1 साल के अंतराल के बाद उन्हें आगे के कार्यकाल के लिए रिन्यू कर दिया जाएगा। जब मामला इसके विपरीत हुआ तो सभी एएनएम को काम से हटा दिया गया। एएनएम ने आरोप लगाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जाती हैं तो वह जिलाधिकारी के पास भेज देते हैं, और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि जब जिलाधिकारी के पास अपनी मांगों को लेकर जाती हैं तो वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेज देते हैं। सब एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा कि जब तक हमें कार्य पर वापस नहीं रखा जाता तब तक हम अपने जो धरना है वो समाप्त नहीं करेंगे। हमारा मामला यह है कि हम नीति आयोग की सब 61 एनम है जिनको 1 साल के बाद सेवा से निकाल दिया गया, जबकि जिस टाइम हमारी भर्ती हुई थी उस टाइम हमको ये बोला गया था कि एनएचएम से हो। जब हमें लेटर मिला तब हमें पता लगा कि हम नीति आयोग से है। फिर उसके बाद जब हमने पूछा कि नीति आयोग क्या है तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा 1 साल के बाद रिन्यूअल हो जाएगा जैसे एनएचएम का होता है। लेकिन हमारा रिन्यूअल नहीं हुआ और हमें 1 साल के बाद निकाल दिया गया, और सैलरी हमें बताई थी 12,500 जबकि हमें मिली है 7600 रुपये। और कोविड काल में हमने इतना काम किया है, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हमने कंटिन्यू काम किया है, पानी तक नहीं पिया है, अपने बच्चों को छोड़कर आए हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में छोड़कर इस बीमारी में हमने काम किया। जिस समय कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता था उस समय हमने
घर से बाहर निकलकर काम किया है और आज उसका हमें ये फल मिल रहा है कि हमें निकालकर बाहर फेंक दिया गया है और अब हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमसे कुछ भी नहीं, मतलब सीएमओ के पास जाते हैं, वो डीएम के पास भेजते हैं, डीएम के पास जाते हैं तो सीएमओ के पास भेजते हैं, अब हम लोग कहाँ जाए। इसलिए आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं, ये चाहते हैं कि हमारा रिन्यूअल किया जाए, हमें वापस लिया जाए और एनएचएम में हमें समायोजित किया जाए, जबकि हमें एनएचएम बताया था तो एनएचएम में ही हमें समायोजित किया जाए। असल इनके इन लोगों की जो नियुक्ति हुई थी नीति आयोग के द्वारा पैसा दिया गया था, उस समय हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था उसका फर्स्ट आया था प्राइज में, उस समय करीब 96 से 1 करोड़ के आसपास मिला था, 96 लाख से 1 करोड़ उस फंड से इन लोगों को पेमेंट हो रहा था। अब हम आज के डेट में 23वें नंबर रैंक पे हैं तो हमें नीति आयोग ने फंड देने से मना कर दिया। तो इन लोगों के स्वतः चूंकि 11 महीने के लिए इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, स्वतः TNM के थ्रू जिस कंपनी के थ्रू था वो समाप्त हो गया है इनका एग्रीमेंट। तो साइन करते समय देखा होगा इन्होंने 11 महीने का कि 5 साल का है जो एग्रीमेंट पर साइन हुआ होगा, इन्होंने देखा होगा अनपढ़ तो है नहीं लोगों का, देखा होगा एग्रीमेंट कितने दिन का है हमारा। सीएम ऑफिस है नहीं, ये CDO साहब और DM साहब की तरफ से हुआ है कि इन लोगों की चूंकि नीति आयोग के यहाँ से फंडिंग हुई है, हम आज के डेट में 23वें रैंक पर हैं, नीति आयोग पैसा नहीं दे रही है। तो खबर उत्तराखंड के जसपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि भाग्यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने शिरकत की और जहां शहीद हुए किसानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। साथ ही आपको बता दें कि 1980 में गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने गन्ना आंदोलन किया था, जिसमें जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के 2 किसान शहीद हो गए थे। वहीं आज शहीद हुए किसान हरस्वरूप सिंह और कॉमरेड करण सिंह को की 41वीं पुण्यतिथि पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत उधम सिंह नगर पहुंचे हैं और शहीद हुए किसानों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किसानों को याद कर और श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री 2 शब्द उनके लिए अभी बोल रहे तो और भी अच्छा लगे जो इस दुनिया से चले गए किसान हित में चले गए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो प्रधानमंत्री जी ने आज तक इंतजार कर रहे हम, 2 शब्द उन्होंने नहीं बोले तो उन्हें भी बोलना चाह इस बारे में जो, तो अच्छा लगे एक में भी तो 135 करोड़ में समय भी तो जो 700 के करीब चले गए, में भी तो उनमत ही है, में भी भारत के नागरिक है, कहीं ना कहीं सरकार बनाने में भी उन्होंने सहयोग करा। जब इस दुनिया में नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री 2 शब्द नहीं बोल सकते। तो अल्मोड़ा के नंदा देवी में शहीद सैन्य सम्मान के तहत आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जनपद के शहीदों की वीरंगनाओं को सम्मानित किया और साथ ही शहीदों के घर की मिट्टी को सैन्य धाम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही इस मौके पर आपको बता दें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश के शहीदों के लिए एक सैन्य धाम बना लिया है और बीजेपी का संकल्प है कि हर सैनिक को सम्मान दिया जाएगा। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि आज पूरे देश में सैनिक सम्मान बीजेपी कर रही है और 5वें धाम के रूप में सैनिक धाम बनाया जा रहा है। और आज इन शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम देहरादून के गुनियाल गांव में बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमने संकल्प लिया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक जितने हमारे शहीद हुए हैं 1734 शहीद परिवारों से हमने संपर्क किया है, उनके घरों की पवित्र मिट्टी को कलश में लेकर हम देहरादून जा रहे हैं, उस पवित्र मिट्टी से सैन्य धाम का निर्माण होगा। मैं लगातार 2 महीने से पूरे प्रदेश के दौरे पर हूँ और इस सम्मान के प्रति जो लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है, भाव दिखाई दे रहा है, जब कई घरों में मिट्टी लेने गए, एक घर में तो एक जवान की भाभी थी, बाकायदा उसने पूजा अर्चना करके शंख बजवाकर उस मिट्टी को हमें दिया। कल मैं एक मेजर अलावत के यहाँ में और जब झड़जी गए तो पूरा परिवार इतना प्रमुखित था कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छा काम कर रही है। मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शहीदों के गांव में सड़क नहीं है अभी, देखिए जहाँ जहाँ भी मैं दौरा कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी हमें जानकारी मिल रही है, हमने घोषणा की है कि हर शहीद के गाँव में उस सड़क का नाम शहीद के नाम पर होगा, जहाँ स्कूल है स्कूल का नाम पर होगा, जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ सड़कें पहुँचाई जाएंगी और शहीद के नाम पर होंगी। हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो हमारे शहीद हुए हैं,
उन सैनिकों के सम्मान में आज हमारे जो उनके गांव से पवित्र मिट्टी को लेकर के उनके आंगन से पवित्र मिट्टी को लेकर के पांचवें धाम के रूप में हमारा देहरादून के अंदर एक पांचवा धाम सैनिक धाम बन रहा है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले शहीद जो माँ भारती के लाल हैं उनके यादगार में उस सैनिक धाम में उनकी गाथाएँ लिखी जाएंगी, उनकी सारी चीज़ें वहाँ उनको याद की जाएगी। और हमारा जो सैनिक धाम बनेगा वो बहुत बड़ा सैनिक धाम बनेगा। और ये हमारे सैनिकों ने जो हमारे उत्तराखंड के सैनिक हैं इन्हें हर परिवार से एक सैनिक कम से कम हमारा सैनिक है और एक कीर्तिमान स्थापित किया, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, सन 62 की लड़ाई हो, चाहे 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो और 2099 की लड़ाई हो, उसमें हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस धैर्य और पराक्रम का एक मिसाल एक गौरव गाथा लिखी है। तो आप उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।